शुक्रवार की सुबह औरंगाबाद में हुए हादसे ने लोगों का दिल दहला दिया। ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत हो गई, जो अपने घर मध्य प्रदेश जाने के लिए जालना से औरंगाबाद पैदल ही निकल पड़े थे कि उन्हें वहां से ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन थके मांदे ये मजदूर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो खबर बन गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मरने वाले 16 लोगों के साथी और प्रत्यक्षदर्शी ने रेल हादसे की दर्दनाक सुबह के बारे में बताया। प्रत्यक्षदर्शी धीरेंद्र सिंह के मुताबिक उन्होंने अपने साथियों को घटना के वक्त आवाज लगाकर उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उठ नहीं पाए। धीरेंद्र ने कहा कि जब मालगाड़ी आ रही थी तो मैंने अपने सहयोगियों को सचेत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रेन उनके ऊपर से चली गई। धीरेंद्र सिंह ने बताया कि हम सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और जालना की SRG कंपनी में काम करते हैं। हम सभी अपने पैतृक गांवों को जा रहे थे। हम गुरुवार की सुबह 7 बजे अपने कमरों से निकल गए और शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। हम कुछ आराम करने के लिए वहां रुक गए। जो लोग घटना में मारे गए वे हम तीनों से कुछ ही मीटर आगे थे। वे पटरियों पर बैठ गए और धीरे धीरे नींद में चले गए। मैं 2 अन्य लोगों के साथ कुछ दूर आराम कर रहा था। कुछ समय के बाद एक मालगाड़ी आई। मैंने उन्हें आवाज दी लेकिन वो मुझे सुन नहीं पाए और ट्रेन उनके ऊपर से निकल गई। हमने 1 सप्ताह पहले पास के लिए आवेदन भी किया था। कोरोना वायरस में लागू लॉकडाउन के कारण हम बेरोजगार हो गए थे और हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम वापस अपने गांव जा रहे थे। आपको बता दें कि औरंगाबाद में मारे गए 16 प्रवासी मजदूरों के शवों को एक विशेष ट्रेन से मध्य प्रदेश भेजा गया है।